परिचय नमस्ते पिताजी वहां देखिए शर्मा अंकल अपना परिवार और घर का सामान कहीं पास में ले जा रहे हैं प्रिय सैम वो अपने नए घर में जा रहे हैं अब श्री गुप्ता हमारे पड़ोस में रहेंगे पिताजी पड़ोस से आपका क्या मतलब है हमारे चारों तरफ के सभी स्थान और लोग हमारे पड़ोस में शामिल होते हैं अब आओ पड़ोस के कुछ स्थानों पर चलते हैं और उनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं आओ सीखें स्कूल और कॉलेज के बारे में बताना बाजार और डाकघर के बारे में बताना बैंक और अस्पताल के बारे में बताना दमकल केंद्र और पुलिस स्टेशन के बारे में बताना रेल स्टेशन और बस स्टैंड के बारे में बताना हमारा पास पड़ोस सैम हम मनुष्य हैं और हम समाज में रहते हैं और इसीलिए हमें बहुत बार एक दूसरे की जरूरत पड़ती है जैसा कि तुम जानते हो जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है हमें पढ़ने के लिए अध्यापकों की जरूरत पड़ती है हमें अपने ऑफिस की सुरक्षा के लिए चौकीदार की जरूरत पड़ती है बेटा आओ बाहर चलें। मैं अपने पड़ोस के कुछ स्थानों से तुम्हारा परिचय कराऊंगा बाजार सैम यहां देखो यह बाजार है हाँ। कल हमने इसी बाजार से खिलौने और कपड़े खरीदे थे हम बाजार से बहुत सी चीजें खरीदते हैं पिताजी मुझे याद है आप बाजार से सब्जी और फल खरीदते हो हाँ यह सही है चलो आगे बढ़ते हैं डाकघर यह डाकघर है लोग डाक के डिब्बों में पत्र डालते हैं और वहां से वो डाकघर में आते हैं डाकिया इन चिट्ठियों को इकट्ठा करके हमारे पास लाता है आओ अब आगे बढ़ें। अस्पताल बेटा यह अस्पताल है यहां डॉक्टर बीमार लोगों का इलाज करता है डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है क्योंकि वो हमारा जीवन बचाते हैं पिताजी मैं इसे याद रखूंगा क्या अब हम आगे बढ़ें दमकल केंद्र और पुलिस स्टेशन पिताजी यह कैसी इमारत है यह एक दमकल केंद्र है जब किसी इमारत या घर में आग लग जाती है तो दमकल केंद्र वाले हमारी मदद करते हैं लोग इन्हें अग्नि योद्धा भी कहते हैं पिताजी देखिए यहाँ एक पुलिस वाला खड़ा है यह कैसी इमारत है ओह वह पुलिस स्टेशन है पुलिस अधिकारी शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखकर हमारी सहायता करते हैं वो अपराधियों को पकड़ते हैं और उन्हें जेल भेजते हैं रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पिताजी मैं थक रहा हूं क्या हम घर चलें? ठीक है बेटे चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं यह रेलवे स्टेशन है और इसके सामने बस स्टैंड है लोग ट्रेन और बस से यात्रा करते हैं ट्रेन और बसें हमारे शहर को विभिन्न स्थानों से जोड़ती हैं